40. तेल वाले कोई मांग नहीं है। भाई होगा आज हम चेक कर रहे हैं इसकी रेंज टेस्ट कर रहे हैं। सुबह मैंने इसको चार्ज किया था 100% और मैं अभी पठानकोट जा रहा हूँ, तो अभी तक ये चल चुकी है 28 किलोमीटर और 74% बैटरी है इसकी। अभी तक 26 किलोमीटर मतलब 26% बैटरी इसने खाई है और 28 की रेंज दे रही है अभी तक 28.6, तो अभी तक 73 रह गया। मतलब अभी तक इसकी रेंज सही से चल रही है और मैंने इको मोड लगा रखा है। अभी मैंने पठानकोट जाना है, फिर से वापस आना है। तकरीबन हम दो लोग हैं और मैं हूँ, मेरी और वाइफ है, तो हम पठानकोट जा रहे हैं। नियर अबाउट हमारा वेट होगा दोनों का 50 kg होगा, शायद इतना होगा। अभी हमने पठानकोट पड़ता है हमको गुरदासपुर से, पठानकोट पड़ता है 40 किलोमीटर। अभी और हम 29 किलोमीटर हुआ है, तो आज हम इसकी टेस्ट करेंगे फुल रेंज कितनी आती है। विद 2% अभी 2% बैठे हुए हम। ये देखिए 29.4 बैटरी अभी पड़ी हुई है। अभी बाकी आपको फिर से अपडेट दूंगा। अभी 10 किलोमीटर और जाना है हमने, देन आपको फुल वीडियो बना के दिखाऊंगा कि टोटल कितनी रेंज देती है। आप ज़्यादा यूज़ करो, क्रूज कंट्रोल यूज़ करोगे तो ज़्यादा आपको रेंज मिलेगी, क्योंकि एक और ये देखिए पेट्रोल पंप, सभी पेट्रोल पंप बंद हुए और लाइन लगी हुई है पेट्रोल की, तो ये अच्छा है। मैंने जाना था पठानकोट और मेरी गाड़ी में तेल नहीं था, तो अभी फिर स्कूटी निकालनी पड़ी मेरे को। तो लाइन लगी हुई है, सुबह से लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। अभी बाद में चलो फ्रेंड्स आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में फिर से इसका रिव्यू कितने किलोमीटर चलती है। सो बाय बाय। तो फाइनली भाई घर में पहुंच चुका हूँ। 12% बैटरी बची हुई है और टोटल चली है मेरी, ये देखिए 97 किलोमीटर और 36 की एवरेज स्पीड से, तो टॉप स्पीड बीच में से मैंने भगाई थी थोड़ी गाड़ी, तो इसकी वैसे भी कम आ रही है रेंज। अभी दिखा रहा है 12% में, इको मोड में चलेगी अभी 18%, तो इतना डाउन भी नहीं जाना।
इतना डाउन पे 12 बोलते 10% के ऊपर ऊपर रखो तो अच्छी इसके सेल बैलेंसिंग होंगे।